शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, who is also known as the father of Indian Navy, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके लिए औरंगजेब ने एक बार कहा था that I used my full strength for 19 years to defeat him, but his empire kept going. छत्रपति शिवाजी का जन्म उस काल में हुआ था जब अंधकार का दौर था, वो काल जब मुगलिया परचम हर जगह लहरा रहा था, कोई एक व्यक्ति भी उनके खिलाफ खड़े होने को तैयार नहीं था। तब शिवाजी निकल कर आए और शिवाजी जानते थे कि मुगलिया परचम को भारत से निकालना, मुगलों को भारत से निकालना बहुत आवश्यक था। इसीलिए शिवाजी बचपन से ही, करीब 14-15 साल की उम्र से ही तरकीबें सोचते थे एक सेना बनाने की, ताकि मुगलों के खिलाफ एक सेना खड़ी की जा सके। पुणे के पास ही मवल नाम का एक गाँव था। करीब 14-15 साल की उम्र में ही वो वहाँ आसपास घूमा करते। वो देखते कि मवल के गांव के लोग बहुत समझदार हैं, फिजिकली मेंटली बहुत शार्प हैं, पर दे आर जस्ट लाइक अनगाइडेड मिसाइल्स, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो करीब 15 साल का बच्चा उनके पास जाता है, उनको बताता है कि हम लोगों को, मराठाओं को ये मुगल नौकर समझते हैं, गुलाम समझते हैं, और जो गुलामी है ना वो मानसिकता है। करीब 15 साल का बच्चा मवल के लोगों को मोटिवेट करता है, उनको बोलता है कि हमें एक सेना बनाने की ज़रूरत है ताकि हम मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। और मात्र 16 साल की उम्र में वो मवल के लोगों को जोड़कर एक सेना बना लेते हैं और तोड़ना नाम का किला हासिल कर लेते हैं, उस पर अपना हिंदुत्व का झंडा फैला लेते हैं। वो शिवाजी महाराज जो बचपन से ही अलग अलग किताबों को पढ़कर, ग्रंथों को पढ़कर अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ दे चुके थे और अपनी सेना को भी हमेशा वही सिखाते थे जो उन्होंने बचपन से सीखा था। शिवाजी बहुत शक्तिशाली थी। जैसे ही वो अब आगे बढ़े तो उन्होंने मुगलिया परचम को यूं भारत से बाहर निकालना शुरू कर दिया, तो मुगलों को वो एक आंख ना भाते थे। उसी वक्त का एक बहुत ही प्रचलित राजा था आदिल शाह। आदिल शाह जब भी शिवाजी के बारे में सोचते तो वो कैसे भी चाहते थे कि शिवाजी उनके सामने घुटने टेक दें और बस यहाँ से भाग जाए। तो वो एक बार कायरता करके उनके पिताजी को कारावास में डलवा देता है और वो चाहता था कि अपने पिताजी को छुड़वाने के चक्कर में शिवाजी उनके सामने गिड़गड़ाएं, उनके सामने झुक जाएं और बस भाग जाए। पर शिवाजी थे। माना जाता है कि शिवाजी के अंदर महाराणा प्रताप जैसी वीरता और चाणक्य जैसी बुद्धि थी। तो अपनी वही चाणक्य जैसी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो शाहजहाँ को एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में बोलते हैं कि भाई आप आदिल शाह से बोल के मेरे पिताजी को छुड़वा दीजिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शाहजहाँ मुगल, आदिल शाह मुगल, दोनों मुगलिया बादशाह, तो क्यों शाहजहाँ आदिल शाह को बोल के शिवाजी के पिताजी को छुड़वाएगा? तो शिवाजी दिमाग के बहुत तेज थे। वो शाहजहाँ को पत्र में ये लिखकर देते हैं कि शाहजहाँ आप दिल्ली के राजा हैं और अगर आने वाली कोई भी युद्ध में आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ हैं। और उस वक्त शिवाजी थे और शाहजहाँ क्यों नहीं चाहेंगे कि शिवाजी उनकी मदद करें। तो पॉलिटिक्स वाला दाव खेल के शिवाजी ने शाहजहाँ को मनाया, अपने पिताजी को बिना किसी लड़ाई के हरा दिया। ये शिवाजी थे। ऐसे कोई मामूली इंसान नहीं थे शिवाजी। वो शिवाजी जिन्होंने मात्र 30 साल की उम्र में करीब 300 किलो पे अपनी विजय हासिल कर ली थी। काफ़ी दिक्कत का दौर था। उनके पास मैन पावर कम था, आर्मी कम थी, रिसोर्सेज कम थे, पर ये चीज़ें उनको कभी डीमोटिवेट नहीं करती थी। उनके पास आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, दृढ़ता ये बहुत थी। इसीलिए शिवाजी के पास जो भी अवेलेबल होता वो उसका भरपूर इस्तेमाल करते। फॉर एग्जाम्पल जंगल, वहाँ जंगलों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए शिवाजी ने गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करा, गुरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत करी। गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल करके दुश्मन को हरा देना। इसीलिए माना जाता है कि शिवाजी को अक्सर उनके दुश्मन पहाड़ी चूहा भी कहा करते थे, कि पता नहीं कहाँ से निकल कर आ जाता है और हम लोग को मार पीट के भाग जाता है, पता नहीं क्या करता है। शिवाजी के साथ एक बार दोबारा से उनको नीचे गिराने के लिए आदिल शाह ने एक और तरकीब चली। अपने एक बहुत ही प्रिय मित्र अफजल खान को भेजा और बोला कि शिवाजी को खत्म कर कर आओ। अफजल खान जो शिवाजी से लगभग 2 गुना लंबे चौड़े थे, उनको लगा था शिवाजी को तो मैं यूं ही हरा दूंगा, पर शिवाजी बहुत दिमागदार थे। तो अफजल खान एक तरकीब खेलता है, वो शिवाजी को एक पत्र लिखता है ये बोल के कि शिवाजी आप और मैं अकेला मिलेंगे और आप सेना लेकर मत आइएगा। शिवाजी बहुत ईमानदार थे, अफजल खान ये बात जानता था, तो वो जानता था कि अगर मैंने शिवाजी को अकेला आने को कहा है तो वो अकेला ही आएंगे। तो शिवाजी अकेला तो आते हैं लेकिन दिमाग के साथ, दिमाग का खेल खेलते हैं। वो जानते थे कि अफजल खान कायर है और वो कोई मूर्ता या कोई ऐसी चीज़ करेगा जिससे शिवाजी को खतरा हो, तो वो शिवाजी अपना कवच पहन कर जाते हैं और अपने हाथ में अपना बाग में जैसे अफजल खान से मिलने जाते हैं तो अफजल खान उनकी गले लगता है, सोचकर कि शिवाजी तो अकेले आए हैं, बिना किसी सुरक्षा के उनको अपने बाहों में दबोच के ऐसे ही मार दूंगा। पर शिवाजी शिवाजी थे। अफजल खान जैसे ही उनको अपनी बाहों में जकड़ के पीछे से खंजर थोपने की कोशिश करता है, पीछे शिवाजी ने कवच पहना हुआ था तो शिवाजी बच जाते हैं और अपना बाघ नक ऐसे मार के अफजल खान को उसकी आंतें बाहर निकाल देते हैं। तो शिवाजी को हराना कोई मामूली बात नहीं थी। सारे मुगल बादशाहों के नाक में दम करके रखा था। 30 साल की उम्र में 300 किले जीत लिए थे। सब परेशान थे कि शिवाजी को हराया कैसे जाए। एक और चीज थी जिसे शिवाजी को हराने की थोड़ी कोशिश करी थी, वो था नेवी। शिवाजी जानते थे कि पोर्तुगीज, यूरोपियंस भारत में हमला कर सकते हैं कभी, क्योंकि उनके पास नेवी है, उनके पास वाटरवेज बहुत उनका स्ट्रॉन्ग है। तो शिवाजी ने सोचा कि प्रिपेयर करके रखते हैं। उनका एक बहुत बड़ा उनसे हमें सीखने को मिलता है कि प्रिपरेशन इज द की। उन्होंने अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करी। जो भी वेस्टर्न घाट का कॉन्कन एरिया है, पूरे वेस्टर्न घाट में नेवी बनाई, शिप्स बनाए, शिप बिल्डिंग करी, ताकि जिस भी एरिया से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, जहाँ से भी दुश्मन के हमले करने की थोड़ी सी भी संभावना हो, वहाँ से दुश्मन को पहले बाहर निकाल दे। शिवाजी हमेशा से प्रॉपर प्रिपेयर होते थे किसी भी दुश्मन के लिए। अब ऐसी कौन सी चीज़ थी जो शिवाजी को बाकी मुगलिया बादशाहों से या बाकी राजाओं से अलग बनाती थी? शिवाजी कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे। शिवाजी हमेशा औरतों और बच्चों की बहुत इज्जत करते थे और वो अपने सेना को भी ये बताते थे कि उनको भी औरतों की और बच्चों की इज्जत करनी है और उनको कभी गलत नज़र से नहीं देखना। वो बोलते थे कि अगर मेरे किसी सैनिक ने किसी औरत पर एक बार बुरी नज़र डाली तो किसी दुश्मन से पहले मैं उसका गर्दन उड़ा दूंगा। शिवाजी ने हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे या इंडिपेंडेंस के लिए जो लोग लड़ रहे थे, लाइक बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे बहुत सारे लीडर्स को मोटिवेट करा। उन्हीं से मोटिवेट होकर बाल गंगाधर तिलक एक कोटेशन देते हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्हीं से मोटिवेट होकर बाल गंगाधर तिलक एक कोटेशन देते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यही नहीं, स्वामी विवेकानंद उनके लिए बोलते हैं, शिवाजी के लिए बोलते हैं दैट शिवाजी रिप्रेजेंटेड द ट्रू कॉन्शियसनेस ऑफ द नेशन। स्वामी विवेकानंद शिवाजी के लिए ये भी बोलते हैं दैट ही वाज एन आइडियल ह्यूमन बीइंग, ही वाज एन आइडियल लीडर, ही वाज अ रिलेंटलेस नेशन सर्वर और नेशन बिल्डर एंड ही वाज अ ट्रू सर्वर ऑफ द नेशन। शिवाजी हम सबके लिए मोटिवेशन है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम शिवाजी को पढ़ें और समझें और उनकी ज़िंदगी से, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखें। धन्यवाद।